दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और ईशान किशन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक को देख पाकिस्तानी दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ईशान किशन ने तूफानी अर्धशतक लगा दिया। ऐसे में ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक को देखकर पाकिस्तानी दिग्गज काफी ज्यादा खुश हुए। पाकिस्तानी दिग्गजों ने ईशान किशन की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक को देखकर पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ईशान किशन और ऋषभ पंत में से कौन है बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको बताया, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रही है जिसमें भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहली पारी के अंदर 438 रन बनाए तो वेस्टइंडीज की टीम 255 रन पर ऑल आउट हो गई। ऐसे में भारतीय टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो रोहित शर्मा के बाद ईशान किशन ने भी अर्धशतक लगाया। किशन ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक 33 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने केमार रोच के ओवर पर लगातार दो छक्के जड़ते हुए अपना 50वां पूरा किया। उन्होंने 34 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 52 रन बनाए। इस बीच उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 79 रन की अटूट साझेदारी की। इसी के साथ 181 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी को घोषित कर दिया जिसके बाद 365 रन का लक्ष्य वेस्टइंडीज को दिया। ऐसे में ईशान किशन के अर्धशतक को देखकर पाकिस्तानी दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उमर अकमल ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के अंदर ईशान किशन ने अर्धशतक लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया। ईशान किशन ने अर्धशतक लगाकर दिखा दिया कि वो भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। ईशान किशन के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन भारतीय टीम के अब वो खिलाड़ी बन चुके हैं जो स्थिति के अनुसार टीम को संभालना जानते हैं और विस्फोटक बल्लेबाजी करने के समय पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में इनके अर्धशतक से मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में काफी ज्यादा मजबूती हासिल कर ली है। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों की दूसरी पारी में विस्फोटक बल्लेबाजी मुझे काफी ज्यादा खुश कर गई है। इस मुकाबले के अंदर ईशान किशन की बल्लेबाजी ने मुझे काफी प्रभावित किया। ईशान किशन ने अपने ताबड़तोड़ अंदाज से दिखा दिया कि वो भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि वो भारतीय टीम के लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को स्थिति के अनुसार आगे ले जाने का साथ विस्फोटक बल्लेबाजी भी करते दिखाई दे सकते हैं। तो वहीं इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है जहां पर भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन का अर्धशतक मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा। उन्होंने ऋषभ पंत की कमी को महसूस नहीं होने दिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से भारतीय टीम के लिए आक्रामक बल्लेबाजी की उसी तरीके से ईशान किशन ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। मैं उनसे बेहतर प्रदर्शन से काफी ज्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों ईशान किशन की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।